क्या हुआ? गुड़ लेके एक मिनट गुड़ जी 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 एक मिनट में आ रहा हूँ। यार ये क्या, हमारे तो जहन में भी नहीं था कि ये बच्चे दे देगी इतना जल्दी। ये क्या सरप्राइज दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार, सुबह का टाइम है और अभी अभी मुझे वहाब भैया ने उठाया है कि यार तो आप जल्दी उठो, तुम्हारी बकरी ना बच्चे देने वाली है। तो अभी अभी मैं आ रहा हूँ और देखा कि यार वाकई में बच्चे दे रही है ये। तो अभी क्या करते हैं यार कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसके साथ बैठते हैं। अभी तक इसने कोई बच्चा नहीं दिया और मुझे जो लगता है इसने 3 बच्चे देने हैं इंशाल्लाह। तो अभी वेट करते हैं कब तक देती है और कितने देती है यार ये। कौन, क्या हुआ है? मुझे पता चल गया, बकरी ने बच्चे दे। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी तक दिए नहीं है, देने वाली है, जल्दी आ जाओ। कौन सी देने वाली है? वो वाली बकरी देने वाली है। ये लो, चलो ये खाओ, शाबाश, खा लो खा लो खा लो, गुड़ खा लो। यार इससे क्या होगा कि हमारे इस बकरी को ना ताकत मिलेगी, उसको कोई मसला नहीं होगा। तो जल्दी से ये गुड़ खा ले और फिर ना थोड़ा सा मजीद वेट करते हैं, क्योंकि यार अभी तक ये बच्चे नहीं दे पा रही, इसको ना गुड़ छूट देते हैं, क्या पता फिर दे दे बच्चे जल्दी। हाँ तुमने भी खाना है, खाओ 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 खाओ। तो यार हमारी बकरी ना काफी टाइम से कोशिश कर रही है लेकिन उसके बच्चे नहीं आ पा रहे। तो हमने भाई का बोला है जहाँ से हमने बकरी नहीं ली थी, तो उन्हें आते यही बोला है कि क्रिटिकल कंडीशन है यार, पता नहीं, मुझे लगता है कि बच्चे मर ना गए हों, ये कह रहे हैं यार। अब सिप्तान ने भी ख्वाब देखा होता है, आपको बताया था सब कुछ, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो ना बच्चे दे रही थी तो बच्चे ना 2 घंटे से आ नहीं रहे, फौरी तौर पर भेजे और दवाई भी भेज दे साथ ही ना। तो यार अभी डॉक्टर आ चुके हैं, तो हम ना इसका प्रॉपर इलाज करेंगे, मतलब कि जो पॉसिबल इसका इलाज होगा ना वो करेंगे डॉक्टर। मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा इसके साथ, बकरी को कुछ ना हो यार। डॉक्टर ने बहुत ज्यादा कोशिश की है, उन्होंने बोला मैं कोशिश करता हूँ कि इसका सी सेक्शन ना हो, नहीं तो क्या होगा कि यार इसको इन्फेक्शन हो सकता है, बकरियां काफी मुश्किल से फिर सरवाइव कर सकती हैं। तो उन्होंने कोशिश तो बहुत की, बच्चा सिर्फ एक ही था, हमने समझा हुआ था कि शायद 2-3 बच्चे हैं लेकिन एक ही था, वो भी नहीं आ पा रहा था यार। फिर डॉक्टर ने उसको अपने तरीके से जो जो ट्रीटमेंट थी की है, बच्चा तो मर गया लेकिन हमारी बकरी की जान बच गई यार। बहुत ज्यादा इसने टेंशन दी है, बहुत ज्यादा यार इसने तकलीफ उठाई है, कुछ मुझे लगता है ये भी अभी मतलब ट्रॉमा में है, मतलब सोच में पड़ गई है कि मेरे साथ हुआ क्या है। अल्लाह खैर करेगा, बस आगे इसको कुछ ना हो, बस ये मतलब सही से यार। हम बार बार जब जैसा मैंने ख्वाब देखा था ना वैसा ही हुआ है थोड़ा, वो तो हो हाँ उसमें था जिंदा हो गए, लेकिन ये तो बस खैर ये अच्छी बात है हमारी बकरी जिंदा है, नहीं तो इसको भी कुछ भी हो सकता था जिस तरह की इसकी कंडीशन हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच गई है, बाकी बच्चे का हमें बहुत दुख हो रहा है कि काश वो भी बच जाता, इसके साथ रहता, खुश रहता वो, लेकिन बेचारा मर गया। हम बच्चे की कंडीशन दिखा भी नहीं सकते आपको, कितना बुरी हालत है उसकी, इतना अजीब सी हो गई यार, खून खून है सारा, तो इसलिए हम नहीं दिखा रहे आपको, हमें बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। तो यार हमारी कैसी का जो खाने वाला बर्तन था ना वो काफी नीचे था, उसको खाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो हमने भाई को बुलाया कि भाई इसकी जो टांगे हैं ना ये थोड़ी लंबी सी लगा देंगे ना, फिर ये हाइट पर हो जाएगा तो कैसी आराम से खाना खाएगी, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
और इसको हम ना अंदर रखवा देंगे, क्योंकि अब मौसम अच्छा हो गया ना, तो कैसी को हम बाहर बार बार नहीं लेके आएंगे, तो इस वजह से ना इसको अंदर रखवा देंगे, फिर यहाँ पर ही खाना खाया करेगी। ठीक है कैसी, ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है उदास है यार ये, काफी दिनों से। नहीं नहीं वैसे ही है, वैसे ही है यार। घास वाले भाई भी आ चुके हैं, इस साइड का घास जो लगाना था वो भी लगाएंगे अभी। भाई लेट हो गए हो, हाँ जल्दी आना था, सुबह सुबह आया जा करो, 8 बजे 10 बजे फारिग हो जाओ, ठंडे टाइम काम करो, ऐसे गर्मी में काम करते हो यार, थकते नहीं हो? बाकी यार एक खुशी की खबर ये है कि हमारी बकरी ना अब सही हो रही है। मुझे पहले डर लगता था, डॉक्टर ने भी कहा था कि यार इसको क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी बकरी ये जंगली है ना, मतलब बाहर से हमने ली थी, जो चलती फिरती बकरियां होती है ना वहां से हमने पसंद की थी, तो इसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें जो लगता है कि ये सर्वाइव कर लेगी, क्योंकि कंडीशन बहुत खराब थी इसकी, तो इस वजह से काफी ज्यादा हम रिलैक्स हो गए कि ये बकरी ना सर्वाइव कर लेगी, बच जाएगी इंशाल्लाह। बाकी तुम्हारे बच्चे का बहुत दुख है यार, हमें काश वो भी बच जाता ना, अभी अपने बच्चे को दूध पिला रही होती या फिर बच्चे के साथ खेल रही होती, लेकिन उसका बच्चा बेचारा मर गया। तो यार फाइनली यहाँ पर भी घास लगना शुरू हो चुका है, जमीन को लेवल कर लिया है भाइयों ने, और भी घास लगाना शुरू हो रहे हैं। अभी से देखें यार कितना अच्छा सा फील हो रहा है, बहुत मजा आता है यार। हा? थोड़ा है ये, तो थोड़ा नहीं है ये, बाद में होता है ना पूरा, एक एक थोड़ी लगाएंगे, ज्यादा लगा, ये ट्रांसप्लांट थोड़ी है, ये हो जाते हैं खुद ब खुद हो जाएंगे, देखना भाई अगर कम हुआ तो फिर और लगा देना, ठीक है? हाँ बस ऐसे फिर सही रहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा यार। वाह भाई वाह, चलो भाई। तो फाइनली घोड़ी के खाने वाला बर्तन ना ऊंचा हो चुका है, पहले बहुत नीचे था, अभी ना दोबारा रखते हैं घोड़ी के पास, चले चले ये इसके घर में रखेंगे भाई, इस तो इधर रख देना नवीद भाई, ऐसे उठाए वहां से उठाए, नहीं मारती, क्यों डर रहे हो? आपको नहीं मारती ना, मुझे मारती ना, आपको मारती है, तो आपको कभी कभी मारती है, और कोई भी नया बंदा आता है उसको भी मारती है, ये तो भाई भी बच गए हैं आज इनको भी लगने वाली थी, नए बंदे को मारती है ऐसे। आज से हमारी घोड़ी ना इसके अंदर खाना खाएगी ऊंचा, मतलब पहले बहुत झुकना पड़ता था वैसे, देखें झुक के खा रही थी, लेकिन अब ऐसे आराम से कंफर्टेबल होके खाएगी। देखो कैसे तुम्हारे लिए नया बर्तन आ गया यार, उसमें खाओ, ठीक है? बल्कि इसमें कुछ डालेंगे तो खाएगी ना, खाली थोड़ी खाएगी, एक मिनट डालते, ये देखें अब आएगी ना यहाँ खाने के लिए, ये लो कैसी, ये 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 अब खाओ, डरो नहीं, खाओ आराम से, ठीक है? ये चावल के दाने हैं ना, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ये जौ डाल दी यार मैंने कैसी को, ये बड़े शौक से खाएगी अब, खाओ कैसी, खाओ खाओ मजे से खाओ। जब से हमारे ये वाले परिंदे छत पर आए ना, तो हमारे कबूतर बेचारे बाहर आने से डरते हैं, मतलब ये समझते हैं कि हमारे मुर्गे ना हमला करेंगे हमारे ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है यार, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम लोग आ सकते हो आराम से, खेल अपना खाना छाना खा सकते हो बाहर से। तब से हमने यार पानी भी इनका अंदर रख दिया है और दाना भी अंदर डालते हैं, क्योंकि ये बेचारे बाहर नहीं आते डर के मारे, तो मुझे लगता है कुछ टाइम लगेगा इनको आपस में दोस्त बनने में, इनका डर खत्म होने में। खैर तुम जैसे भी खुश रहो यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ना इस टर्की बर्ड पे शक है, शायद ये ना उनको डराता होगा, क्योंकि इसकी शक्ल बहुत ही अजीब सी है, डरावनी शक्ल है, ये डराता होगा उन कबूतरों को। तो शाम हो चुकी है दोस्तों, और यहाँ पर घास भी कंप्लीट हो गया है, और वहाँ पर देखें सामने ईगल भी वापस हमने मिनी जू में लेके आ गए हैं, एक तो ये बैठा है, एक उधर जाके बैठी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो डरती है ना बहुत ज़्यादा वो यहाँ पर बैठी हुई है, ये देखें ये बैठी हुई है, हमेशा ऐसे डरती रहेगी। और अभी जो मेन काम है वो ये है कि हमने अपनी इस बकरी को, जो आज उसके साथ जो मसला हुआ है ना यार, उसको हमने इंजेक्शन लगाने हैं, अभी हमने वो लेके आने हैं और उस बकरी को इंजेक्शन लगाने हैं, जो कि ये खड़ी हुई यार इस कोने में खड़ी हुई है बेचारी, बहुत सैड है यार, बहुत ही तकलीफ झेली है आज इसने, बस दुआ करते हैं कि यार जल्दी से सेहतमंद हो जाए, पहले की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाए। मैं इसको मज़ीद तंग नहीं करता, यहाँ पर ठहरी हुई है, आराम कर रही है, तो थोड़ी देर के बाद इसको हम इंजेक्शन भी लगाएंगे, अभी इसको रेस्ट करने देते हैं। तो यार हमने ना इंजेक्शन ले लिए हैं बकरी के, और अब हम लगाएंगे इंजेक्शन, बल्कि मैं नहीं लगाता, नवीद भाई को कह देता हूँ यार, पहले भी यार तुम्हें तो आते हैं, तुम लगाते नहीं थे पहले, इस तो अपने आप क्यों नहीं लगाते यार, डर लगता है यार, पहले भी बेचारी ने इतना तकलीफ झेली है, तो फिर मजीद गलत इंजेक्शन लग जाए ना, इस वजह से मैं कहता हूँ, ठीक है ना? चलो यार नवीद भाई, ये ना ये वाला इंजेक्शन लगा दो, ये भर दिया मैंने, सही है, जल्दी इधर ले आओ ना बकरी को सिप्तान, बिस्मिल्लाह लग गया भाई। तो यार